नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जेल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जे एंटरटेनमेंट के बारे में। तो जेल से जो आज जो न्यूज़ आया है, इसी के चलते हुए आज जेल ने सिर्फ एक दिन में, आज ही के सिर्फ एक दिन में, जो साल भर में वो नहीं दे चुका, वो एक दिन में दे चुका है 40% का रिटर्न। तो 40% का रिटर्न मान के चलिए, कितना जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे आज ही के दिन दिया हुआ है। तो उसका पीछे बहुत रीज़न है, बहुत बढ़िया रीज़न है। उस रीज़न का पूरा डिटेल्स में आपको देखना होगा। और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे कि नहीं करेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको स्टडी देना देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत कुछ मैं फाइंडिंग करके आपके सामने ले दिखाऊंगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल के साइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे जो बड़ा न्यूज़ जिसी के चलते हुए आज ही के दिन इस स्टॉक में अच्छा खासा रैली देखने को मिला, वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डज जे नीड सीईओ, मतलब जे नीड जे एंटरटेनमेंट का जो सीईओ था पुनीत को, यहाँ पे देखिए गोयन का, उनका रिमूवल, मतलब उनका जो उस पद से उनको हटाना चाहते हैं। तो इसी जो मैनेजमेंट जो न्यू डिसाइड किया है, जो न्यू मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, तो उसी के चलते हुए आज के दिन इतना अच्छा खासा रैली दिखा है। देखिए, कोई सीईओ से कोई भी सेक्टर, मतलब कोई भी कंपनी से सीईओ हट जाता है तो कंपनी में अच्छा खासा गिरावट होती है। फिर भी देखिए, इस कंपनी में क्यों इतना अच्छा खासा रैली दिखा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए मैं बता रहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बाकी डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले देखिए, जे एंटरटेनमेंट लार्जेस्ट शेयर होल्डर, मतलब सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर कौन है, आप एक बार देख लीजिए। शेयर होल्डर के बारे में पूरा जरूर आपको देखना होगा। तो इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक रिपोर्ट के आपके सामने पेश किया हूँ। यहाँ पे देखिए, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एक्चुअली यहाँ पे जो टोटल शेयर होल्डिंग है, तो जी एंटरटेनमेंट का, मतलब जेल का जो शेयर होल्डिंग है, वो सबसे ज़्यादा शेयर है एपीआईएस के पास, मतलब पब्लिक और एपीआईएस के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोमोटर के पास कितना शेयर है वो एक बार देख लीजिए। देखिए, प्रोमोटर के पास सिर्फ 4% मान के चलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, सिर्फ के सिर्फ 4%। वो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमोटर खुद अपने शेयर को होल्ड करके, मतलब पैसा ले चुके हैं। 5.38%, मतलब शेयर होल्डिंग उसके पास था 4%, और शेयर होल्डिंग मतलब प्लेज करके, मतलब गिरवी रख के 5.38% का यहाँ पे उन्होंने पैसा लिया हुआ है। तो मान के चलिए, जितना उन्होंने शेयर होल्डिंग नहीं रखा, उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने लिया हुआ है। तो यही एक न्यूज़, मतलब नेगेटिव न्यूज़ है। और इसी के चलते हुए शेयर जो प्रोमोटर है, जो प्रोमोटर के इसी न्यूज़ के चलते हुए आज ही के दिन मतलब एक जनरल मीटिंग बुलाया गया है। तो इस जनरल मीटिंग में क्या होगा, उसको मैं बारे में बताऊंगा। तो पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, सबसे ज्यादा किसके पास है, एफआईआई के पास, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। आप देख लीजिए, यहाँ पे एफआई के पास देख लीजिए कितना शेयर है, 57%। जो प्रोमोटर के पास रहना, मतलब हर ज्यादातर कंपनी में आप प्रोमोटर के पास इतना सारा शेयर देखते हैं, तो जी एंटरटेनमेंट ज्यादातर बाहर की कंट्री का इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। और देखिए, डीआईएस के पास कितना है, एक बार देख लीजिए, डीआई के पास 18%, और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पे आपको एफआई के पास देखने को मिला। उसके बाद 19% यहाँ पे पब्लिक के पास, और अदर्स के पास कुछ भी शेयर नहीं है। देखिए, कंपनी अभी तो खराब मूवमेंट में चल रहा है, मतलब खराब मूवमेंट, मतलब कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। कंपनी का अमी यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, तो रेवेन्यू देखिए ठीक ठाक से रेवेन्यू जनरेट तो हो ही जा रहा है। यहाँ पे देखिए, 2017 में 6,000 करोड़ और 2021 में 7,000 करोड़, तो रेवेन्यू एक पैरेलल मूवमेंट में चल रहा है, मतलब एक रेंज में चल रहा है। फिर भी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए 2020 में 2,000 करोड़, सॉरी 2017 में 2,000 करोड़, अभी 2021 में सिर्फ के सिर्फ 793, मान के चलिए 800 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है। मतलब जितना नेट प्रॉफिट 2017 में किया, उसके बाद 18 में किया, उसके बाद 19 में किया, उससे भी हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुका है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए बहुत कम है, 7.5 रुपीज़, मान के चलिए 8 रुपीज़ यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी है। डेप देखिए कंपनी के पास, डेप अभी तो फिलहाल कोई भी डेप नहीं है, जीरो डेप यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए, ये सब चीज़ आपको क्यों दिखा रहा हूँ और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों दिखा रहा हूँ, ये अब मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ।
यहाँ पे देख लीजिए, शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर है वो 3.99% में पहले दिखा चुके हैं। प्रोमोटर यहाँ पे शेयर होल्डिंग मतलब जो खुद प्रोमोटर है कंपनी का, जो ओनर है वो खुद यहाँ पे 3.99% उसके पास शेयर है, और 5.38% उन्होंने प्लेज करके रखा, मतलब गिरवी रखा है। उनके पास उतना शेयर नहीं था जितना उन्होंने पैसा गिरवी रखकर, शेयर गिरवी रखकर माल उठाया। तो यहाँ पे एक सबसे नेगेटिव न्यूज है, और इसी के चलते है ज्यादातर यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टर ज्यादा है, यहाँ पे देखिए फॉरेन इन्वेस्टर, यहाँ पे देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPIs, उन्होंने क्या 67% उनके पास होल्डिंग है। तो 67% देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर किसके पास है, यहाँ पे देखिए OPI ग्लोबल चाइना फंड, मतलब चाइना से जो OPI के जो फंड है, मतलब टोटली मान के चलिए उसके पास 17.88% होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा हक उसके पास ही होंगे जितने शेयर, सबसे ज्यादा शेयर उसके पास है। तो सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, चाइना ग्लोबल चाइना फंड के पास। तो उसके बाद देखिए वैनगार्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड, वो भी फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके पास 3.48% है। यहाँ देखिए अमीनस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 3.40, और देखिए HSBC इसके पास भी 1.89। मतलब जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर है, मतलब इन्वेस्टर मतलब जितने सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनके पास ज्यादातर यहाँ पे शेयर है। तो इसी के चलते हुए जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है, यहाँ पे देखिए जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है, यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग बुलाया है वो ग्लोबल चाइना फंड ने, उन्होंने देखिए कॉल किया है, एक यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लोबल मीटिंग, उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लोबल मीटिंग बुलाया है, वो भी सीईओ के रिमूव करने के लिए। मतलब जो सीईओ है इनका, जो नाम मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे देखिए पुनीत गोयन का, उनका जो सीईओ था मतलब जे एंटरटेनमेंट का, उसको यहाँ पे हटाने के लिए बताया गया है, क्योंकि उसका हक उतना ज़्यादा नहीं है जो इन OPI ग्लोबल चाइना के पास जितने शेयर है। तो उनके पास जितना हक है और सीईओ के पास उतना हक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शेयर उसके ही पास है। तो इसी का फायदा आज को देखने को मिला, क्योंकि इतना दिन से ये जो सीईओ था उतना अच्छा खासा काम नहीं कर रहा था, और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए बोर्ड मीटिंग बुलाया है। तो ये जो न्यूज है इसी के चलते है आज ही के दिन आपको अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिला। यहाँ पे और भी बहुत कुछ चीज यहाँ पे दिया गया है, आप पूरा डिटेल्स में देख लीजिए। यहाँ पे मैं डिटेल्स सिर्फ आपको कौन सा चीज के लिए आज के दिन अच्छा खासा रैली जरूर देखने को मिला उसी के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन 40% का रिटर्न, मतलब एक दिन में 40% रिटर्न। मैं एक बार 1 साल की रिटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 साल में कितना रिटर्न, 1 साल में सिर्फ 20% का रिटर्न। तो हम मान के चलिए 20% का, तो आज ही के दिन 40% का रिटर्न, मतलब एक दिन में 40% का रिटर्न, अभी तक रिकॉर्ड में इतना अच्छा खासा रिटर्न हाल ही में आपने नहीं देखा शायद। तो आज आपको देखने को मिला एक दिन में 40% का रिटर्न, मतलब मान के चलिए आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते तो आपको 40,000 रुपीज प्रॉफिट हो जाता। तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको रैली देखने को मिला आज ही के दिन। तो ये जो न्यूज था इसी के चलते अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या करने वाले हैं आप, मतलब इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उसके बारे में अब बताता हूँ। यहाँ पे पहले मैक्सिमम चार्ट पढ़ने एक बार देख लीजिए, कंपनी पहले स्टार्टिंग जो हुआ था उसके बाद बहुत अच्छा खासा रैली दिखाया। स्टार्टिंग हुआ 32 रुपीज में, उसके बाद रैली दिखाया करीबन 726 तक गया था, उसके बाद देखिए पूरा गिरावट होके एकदम 40 रुपीज तक चले आए थे। उसके बाद पैरालन मूवमेंट चल रहा था, फिर से एक धीरे 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 ग्रोथ हुआ जी एंटरटेनमेंट का, और उसके बाद फिर से गिरावट। तो देखिए कितना अप्स एंड डाउन है, और मुझे नहीं लगता फ्यूचर में जी एंटरटेनमेंट उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो देखिए बाद में तो कर सकते ही है, तो अभी तो आप इन्वेस्टमेंट मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और रिस्क भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइप स्टॉक से आप दूरी रहिए जिसका चार्ट पैटर्न ठीक नहीं है, जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिसका देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए, प्रोमोटर के पास सिर्फ के सिर्फ 4% होल्डिंग है। और भी सबसे नेगेटिव न्यूज जो है, प्रोमोटर 4% से भी ज्यादा पैसा उठाया है शेयर गिरवी रखकर, ये सबसे नेगेटिव न्यूज है। तो इस टाइप स्टॉक से आप तो दूरी रहिए तभी आपको अच्छा होगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो रहेगा। देखिए रिक्सी गेम है, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे पूरा आपके ऊपर आए होंगे। तो मेरे हिसाब से इस टाइप स्टॉक से इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है अभी तक।
जितने सारे परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है, तो इसी के चलते है कंपनी इस टाइप कंपनी से बहुत बेटर स्टॉक आपको मिल जाएगा, बेटर कंपनी आपको मिल जाएगा, उसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो ये था आज का न्यूज़, आज का डिटेल्स, और आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो कुछ चीज़ और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,000, मान के चलिए 18,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है जी एंटरटेनमेंट का। और पीयूएसई आप देख सकते हैं 18 रुपीज़ पीयूएसई चल रहा है, मतलब ठीक ठाक लेवल में चल रहा है, क्योंकि कंपनी का उतना खासा परफॉर्मेंस अभी भी नहीं चल रहा है। और बुक वैल्यू देखिए 105 है, और आज ही के दिन करीबन यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस रेंज 52 वीक का हाई है 261, वो भी 52 वीक का हाई आज ही के दिन आपको देखने को मिला। और करीबन देखा जाए एक एक साल के अंदर 100 रुपीज़ का यहाँ पे जाम देखने को मिला। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको दिखा हो, कंपनी देखिए उसका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जितने सारे एंटरटेनमेंट का दुनिया में है, सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर, ये आप सभी नाम जानते हैं, टीवी 18, तो उसके हिसाब से उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी सेकेंड पोजिशन में आता है। देखिए कंपनी सेकेंड पोजिशन में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी बहुत अच्छा हो गया, कंपनी अभी भी दिक्कत में है, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा वो तो आपको दिख जाएगा, तो अभी भी इस स्टॉक से आप दूरी रहे तो अच्छा है। तो ये था पूरा डिटेल्स, आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो जाने से पहले यही कहूँगा, इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले स्टॉक, अगले न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।